हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसे हमने वर्क एंड टाइम पढ़ा था और बिल्कुल ट्रिक से सॉल्व किया था, आपने 10 से 15 सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, बिल्कुल ऐसे भी यहीं पर हम ट्रिक से पढ़ेंगे। और एक सवाल को 10 से 15 सेकंड ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। और आइए हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में पूछे जाते हैं। हम लोग हर एक टाइप का सवाल दो से तीन सवाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे टाइप के सवाल अच्छे से आपको समझ में आए, और हम ताकि हम जो एग्ज़ाम्स में कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर ना आए। बिल्कुल ट्रिकी मेथड से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में कहते हैं अनुपात एवं समानुपात, एवं समानुपात, ठीक है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि रेशियो होता क्या है। रेशियो होता क्या है? सपोज कर लीजिए कि दो क्वांटिटी, एक ए और एक बी, जब किसी भी दो क्वांटिटी की कंपैरिजन, क्या तुलना, हिंदी बोलते हैं कंपैरिजन, हिंदी बोलते हैं तुलना, जब दो कोई भी राशि की तुलना टाइम्स में किया जाता है, किसमें, टाइम्स, हिंदी बोले तो गुणा में, तो उसे हम लोग रेशियो कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, हम ए जो अगर बोला जाए यहाँ पे ए और बी, ए जो है बी का दो गुना है, ऐसे बोल सकते हैं ना, ए जो है बी का दो गुना है। इसका मतलब ए अपॉन बी इक्वल टू क्या हो गया, 2/1, यानी कि ए रेशियो बी क्या हो गया, 2:1। जी हाँ, ये रेशियो का साइन है। हम लोग रेशियो को ऐसे डिनोट करते हैं, इससे एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। सिमिलरली आइए देखते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। PROPORTION, प्रोपोर्शन, जब दो रेशियो का कंपैरिजन होता है तो इस तरह का हम लोग साइन लगाते हैं और इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। इसको सॉल्व करने के लिए ए रेशियो बी इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और सी रेशियो डी, ठीक है। यानी कि हम ऐसे करेंगे ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए डी इक्वल्स टू सी बी, ऐसे करके, है ना, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए कुछ और चीज़ें हम देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। अगर आपसे कभी कभी ऐसे दे देगा ए एंड बी, ए एंड बी के बीच मध्य समानुपाती बताएं, मध्य समानुपाती, यहाँ पे मैं तो इसको ठीक से लिख रहा हूँ, ए एंड बी के बीच मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती को इंग्लिश से बोलते हैं मिड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? मिड प्रोपोर्शन। यानी कि इसको सोल्व कैसे करेंगे, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो एक ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और बीच का पूछा गया है। मध्य का मतलब क्या होता है? बीच का, मिड प्रोपोर्शन, बीच का। तो मान लेंगे यहाँ पे एक्स है, क्या है, एक्स है, और ये इसके साथ भी रेशियो में है और ये इसके साथ भी रेशियो में है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग एक बार इसका रेशियो लेंगे और एक बार इसका रेशियो लेंगे, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ए अपॉन एक्स इक्वल्स टू
x अपॉन b। ध्यान रखिएगा, हम इन दोनों में a को ऊपर लिखे थे और x को नीचे, तो इन दोनों में x को ऊपर लिखेंगे और b को नीचे लिखेंगे। यानी पहला वाला ऊपर लिखा हूँ तो दूसरे में भी पहला वाला ऊपर लिखना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है ना, इसके इसके साथ और इसका इसके साथ, a इंटू बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन कि ए एंड बी के बीच तृतीय समानुपाती बताएं। तृतीय समानुपाती इंग्लिश से बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे ए लेंगे और यहाँ पे बी लेंगे और थर्ड पूछा गया, तीसरा में क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। अब इसको भी कैसे करेंगे, सिमिलरली उसी तरह से इन दोनों का रेशियो लेंगे और फिर इन दोनों का रेशियो लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन एक्स, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन के जरिए हम लोग ट्रिक सीखेंगे कि किस तरह से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कौन सा ट्रिक हमें लगाना है ना। आइए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और देखिए समझिए किस तरह के क्वेश्चन में हम कैसा ट्रिक लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, ए और बी, यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 7:9 और दे रखा है बी रेशियो सी इक्वल टू 5:7, तो फाइंड करना है, फाइंड ए रेशियो सी, ये आपको फाइंड करना है। आइए बिल्कुल ट्रिक मेथड से कैसे करेंगे, देखिए एकदम बिल्कुल आसानी से। आपको क्या करना है, इसके दो मेथड है, मेथड वन कि आपको ये यहाँ से दे रखा है ए बी बी सी, हम देखना चाह रहे हैं कि ए बी और सी ये तीनों किस रेशियो में है, तीनों किस रेशियो में है। तो हम देख रहे हैं आप ए अपॉन बी दे रखा है, ए रेशियो बी दे रखा है 7:9, बी रेशियो सी दे रखा है 5:7। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब देखो अब ऐसे हो गया, हमने ऐसा कैसे लिखा, देखिए पहले में क्या रखा था ए रेशियो बी 7:9, तो हमने 7:9 लिख दिया और अब इस लाइन को खाली छोड़ देंगे, इस जगह को क्या करेंगे खाली छोड़ देंगे, और बी रेशियो सी दे रखा है तो दूसरे अगली लाइन में बी और सी लिखा, ए को खाली छोड़ दिया। अब जो ये खाली जगह था इसको पड़ोसी से भरना है, किससे भरना है, पड़ोसी से भरना है। तो इसका पड़ोसी अगल बगल का लेना है, ऊपर नीचे का नहीं लेना है, कौन सा लेना है, अगल बगल, पड़ोसी ही होते हैं ना। हाँ, तो इसका इधर साइड तो कुछ नहीं, इधर क्या है 9, यहाँ क्या है 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7×5=35, 9×5=45, 9×7=63। ठीक है, ये आपका हो गया, यानी ए आपका क्या दे रखा है 35, अब बी क्या दे रखा है 63। तो यहाँ से ए रेशियो बी हो गया आपका, सॉरी ए रेशियो सी हो गया आपका 35:63, ये कटेगा 7 से, 7×5=7, 9 जा क्या हो गया 5:9, 5:9 आपका ए ऑप्शन। ठीक है, इसका दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरा मेथड, मेथड टू,
आइए दूसरा मेथड हम यही से देखेंगे। आपको यहाँ पे भी बी है और यहाँ पर भी बी है, यानी बी के लिए आपका ये वैल्यू दे रखा है और दूसरे में ये वैल्यू दे रखा है। आपको क्या करना है, इन दोनों बी को इक्वेट करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुना कर दीजिए और इसमें 9 से गुना कर दीजिए, यानी पहले वाले बी से दूसरे वाले बी में गुना कर, पूरी इक्वेशन में गुना कर दीजिए और दूसरे वाले बी से पहले वाले लाइन में गुना कर दीजिए। तो ये आपका बन जाएगा 9 × 5 = 35 ratio 63, और यहाँ तो बन जाएगा 45 होगा, 9 × 5 = 45 और यहाँ से 9 × 5 = 45 और ratio 63। अब देखिए, अब यहाँ तो आपका क्या मिल गया, ए आपका पहला वाला है, ये बी, बी भी दोनों बराबर हो गया और सी इधर, तो ए रेशियो सी आपसे पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा 35/63, 7 × 5 = 35, 9 × 7 = 63 यानी 5:9। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे ऐसे सवालों को। चलिए अगले सवाल चलते हैं। हाँ, आइए, ऐसा दिया गया आपसे x=1/3y, y=1/2z, तो एक्स वाई जेड का रेशियो आपसे पूछा गया है, यानी क्या गिवेन है, x=y/2, जहाँ से 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 2x, ऐसा करिए ना, इसको मल्टीप्लाई मत करिए, यहाँ से आप क्या करो y को इधर ले आओ, तो x/y क्या हो गया 1/3, यानी कि x/y क्या हो गया 1:3। सिमिलरली यहाँ देखिए क्या है, y=1/2z, यानी z नीचे आएगा तो y/z क्या हो गया 1/2, यानी कि y/z क्या हो गया 1:2। आपसे फिर वही कहानी करना है, वाई वाई को क्या करना है, इक्वेट करना है। इक्वेट देखिए कैसे करेंगे, हमें पूछा गया है x/y/z पूछा गया है, तो x/ पहले y लिखिए क्या है 1:3, इस लाइन को खाली छोड़ देना है, y/z लिखिए तो क्या है 1:2। खाली जगह किससे भरना है, पड़ोसी से भरना है, किससे भरना है, पड़ोसी से भरना है, यानी यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 3, इसका पड़ोसी 3, मल्टीप्लाई करिए तो 1:3:6। एकदम आपसे ट्रिक मेथड और बेसिक मेथड भी बोल सकते हैं, आपको सी आंसर आ गया आपका, कुछ नहीं करना है, है ना, बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बस, और ये आपका हो गया आपका आंसर। ठीक है, आइए अगले सवाल में चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए दो संख्या है, मान लेते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या 3 और 8 के रेशियो में है, है ना, और उनका अंतर कितना है 115 है, यानी यहाँ का डिफरेंस कितना, ज़रा देखिए, ज़रा डिफरेंस कितना आ गया 5 का, ये 5 बराबर कितना है जी 115, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 115/5 23, 23 + 115 है ना 23, तो छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या कौन सी है, ये वाला है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 23 × 3 = 69। बड़ी संख्या पूछा कितना होता, हम 5 निकालते हैं, है ना। ठीक है, चलिए अगले सवाल चलते हैं। ये आपको समझ में आया ना, यहाँ पे हमने क्या निकाला, डिफरेंस निकाला,
यहाँ पे हमने क्या निकाला, डिफरेंस निकाला। चलिए अगले सवाल चलते हैं। चार संख्याएं कितना अनुपात में उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्याओं का योग बताएं। मान लेते हैं चार संख्याएं ए बी सी और डी, 1:2, 2:2, 3:2, 4 की रेशियो में है। कहता उनका योग 16 है, तो सबको जोड़िए, 4 3 7 तो 9 और 1 10, 7 3 10, यानी 10 = कितना हो गया, 16। तो 1 = कितना हो जाएगा, 16/10। तो पूछा गया पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। पहले संख्या कितना है, एक है ना। आइए तो पहले संख्या योग, इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग कितना है, 5। तो 5 = कितना हो जाएगा, 16/10 × 5, 5 2 10, 2 8 16, कितना हो गया, 8। ठीक है, हाँ इस तरह से हम शॉर्ट में जल्दी से कर सकेंगे। यहाँ पे योग पूछा गया था, पहली और आखिरी का योग बताएं, तो हमने पहली और आखिरी, पहली 1 है और आखिरी 4 है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो 5 हो गया। सबका योग 16 था, तो 10 = 16, तो 1 = 16/10, तो 5 = इतना है ना। ठीक है, आइए अगले सॉल्व चलते हैं। ए और बी के पास इतना अनुपात में राशि है, यदि ए बी को 2 रुपये दे देता है तो राशि 1:1 का हो जाएगा, तो शुरुआत में राशि का अनुपात क्या था। देखिए ए और बी का जो अनुपात है वो 2:1 है, यानी 2x/1x, ऐसे लिखिए। ठीक है, कहता है यदि ए बी को 2 रुपये दे देता है, यानी ए में से क्या करना है, 2 को कम करना है और बी में क्या करना है, 2 को जोड़ना है। ठीक है, तो क्या होगा, रेशियो 1/1 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो गया, 2x - 2 = x + 2। इसको इधर लेकर आइए, इसको इधर लेकर आइए, तो 2x में से एक जाए कितना बचेगा, x, और दो कितना हो गया, 4। x बराबर कितना हो गया, 4, यानी एक नंबर 4 हो गया और दूसरा 2x है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4 2 8, तो एक नंबर 4 हो गया और दूसरा नंबर क्या हो गया, 8 हो गया। सी आंसर। ठीक है, ठीक है, जल्दी से नोट करिए, वीडियो पॉज करके हम अगले सवाल पे चलते हैं। एक बक्से में 180 रुपये हैं, जो कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात ना दे रखा है, तो 50 पैसे के सिक्कों, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जाता है। कहा गया एक बॉक्स है जिसमें 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है, जिनका अनुपात 2:3:4 है। ठीक है, आइए अब यहाँ देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें जो दिया हुआ है, ये सारे जो हमें दिया हुआ है क्या दे रखा है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है ना, क्या दे रखा हमें, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। अब एक बार बताइए, आपके पास 1 रुपए का 2 सिक्का है तो कितने रुपए होंगे, है ना, 2 होगा, 2 रुपए होंगे ना। ठीक है, अगर आपके पास 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे,
₹1.5 होंगे, है ना, 1.5। अगर आपके पास 25 पैसे के चार सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे, ₹1 होगा, जाहिर सी बात है। यानी हमने नीचे क्या निकाला, रुपयों का, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, रुपयों की अनुपात। यहाँ था सिक्कों की संख्या का अनुपात, ठीक है। अब यहाँ पर एक और टर्म आप लगा लो, ज़्यादा अच्छे से आंसर आ जाएगा। यहाँ एक्स लगा लो कि 2x है, ये 3x है, ये 4x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x, 1.5x और ये 1x, ठीक है। यहाँ पे x लिखा हुआ है ना, यहाँ पे x लिखा हुआ है, ठीक है। आइए अब देखो, अब कह रहा है कि कुल सिक्कों की संख्या कितनी, कुल सिक्कों कितने हैं, ₹180 हैं। यानी ₹2, ₹1.5 और ₹1, सबको जोड़कर कितना आएगा, सबको जोड़े कितना होगा, 2 और 1.5, 3.5 और 1.5, 4। यानी 4.5x इक्वल टू कितना हो गया, ₹180। तो x बराबर कितना हो गया, 180/4.5, ठीक है। अगर आप ऐसे करो, पॉइंट हटा करो, तो ऐसे कर लो, 45 कितना गया, 40 आ गया, कितना गया, 40। यानी x की वैल्यू क्या आ गया, 40। हमने क्या किया, इन सब को जोड़ दिया, इन सब क्या किया, जोड़ दिया, क्योंकि सबका योग दे रखा है ₹180 है। अब ₹180 बॉक्स में है, तो यानी ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे, इन तीनों के सिक्कों की जो रुपया है, मूल्य है, उसकी उसी का योग 180 है ना। एक्स वैल्यू 40 आ गया है। आपसे पूछा गया है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 3x, तो 3x बराबर हो गया 3 into 40, एक्स वैल्यू 40 आया ना, 40 कितना हो गया, 120, कितना हो गया, 120, है ना, आया समझ में बात को। हाँ, कि इस चीज़ पे ध्यान देंगे, सिक्कों की संख्या का अनुपात और रुपयों के अनुपात, है ना। इस सवाल को पलट के भी पूछा जाएगा, अभी आगे सवाल मिलेगा बहुत सारा, आइए ध्यान दीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, 12, 21, 8 का चौथा समानुपाती बताएं, बोला था ना, फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया ना, पूछ दिया ना। आइए कैसे करेंगे, 12, 21, 8, अगला मान लेंगे x, सब में क्या लगा देंगे, रेशियो लगा देंगे। अब एक बार इन दोनों का रेशियो लेंगे और एक बार इन दोनों का रेशियो लेंगे, तो 12/21 = 8/x। आप यहाँ प्रोपोर्शन करा था, प्रोपोर्शन का साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो गया, 12x = 8 × 21, तो x बराबर कितना हो गया, 8 × 21/12, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14। क्या आंसर आ गया आपका, सी 40, ठीक है। हाँ, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपये की धनराशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों, 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना ज़्यादा प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे, तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा बताएं। आइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट PVI, है ना, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आइए, कहता है कि वो 3 लोगों में पैसा बांट रहा है, किसमें किसमें बांट रहा है जी, एक पुत्री, भतीजा और पुत्र। यानी क्या लिखा आपने, सन, डॉटर एंड नेफ्यू, ठीक है। बट ये कंडीशन ये कह रहा है, बट कंडीशन यहाँ पे ये कह रहा है कि देखिए, प्रत्येक पुत्री को
भतीजे से 4 गुना ज़्यादा मिले, यानी जो डॉक्टर है और नेफ्यू है, भतीजा है, अगर भतीजा को 1 रुपये मिलता है तो डॉक्टर को कितना मिलेगा? 4 रुपये मिलेगा, यानी डी ओ एन का रेशियो क्या हो गया? 4:1। और कहता है प्रत्येक पुत्र को भतीजे से 5 गुना ज़्यादा मिला, यानी भतीजा को अगर 1 रुपया मिल रहा है तो जो सन है, बेटा है, उसको कितना मिलेगा? 5 रुपये मिलेगा। यानी साफ हो गया कि जो बेटा है उसको क्या मिल रहा है, 5 गुना 5:5 रेशियो, डॉटर को 4:1, और नेफ्यू को 1, नेफ्यू 1 है 1, डॉटर 4 और सन 5। अब देखिए बेटा कितना है, 5, 5 बेटा है तो क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, 4 बेटी है तो 4 से गुना करेंगे, और 2 भतीजा है तो 2 से गुना करेंगे, तो क्या हो गया, 25:16:2। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक पुत्री का हिस्सा बताएं, डॉटर का ना, तो पहले हम निकालते हैं कि डॉटर का हिस्सा है कितना, यानी पुत्री का हिस्सा है कितना, सब मिला के निकालिए, सारे पुत्री का है ना, तो देखो जिसका निकालना रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे में इन तीनों को जोड़ कर लिखेंगे। थोड़ा मैं डिटेल में कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में करूँगा, है ना, और गुने में जितना अमाउंट है उस अमाउंट को लिखिए 8600, यानी कि 16/25 और 16 41 और 2 43 × 8600 कट जाएगा, कितना कटा, 200, कितना, 16 दुना 3200। ये 3200 जो है वो कितने पुत्री में बटा, 4 पुत्री में बटा, है ना, 4 पुत्री में बटा, है ना, 4 पुत्री का हिस्सा, तो एक पुत्री का हिस्सा कितना हो जाएगा, क्या करेंगे, 3200 चार को 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 800, 800, है ना। ऐसे करेंगे, आपको लग रहा होगा लंबा, बट जब आप इसको ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, शॉर्ट तो काफ़ी शॉर्ट में बन जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दे रखा है ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी, तो ए और डी बिल्कुल वही करना है। हम निकालते हैं पहले ए बी सी डी का चारों का रेशियो निकालते हैं। अब ए रेशियो बी कितना दे रखा है, 3:4, बी रेशियो सी कितना दे रखा है, 5:7, उस लाइन को ही पूरा छोड़ देंगे, ध्यान है ना, सी रेशियो डी कितना दे रखा है, 8:9, पूरे लाइन को ही हमने छोड़ दिया ना, हाँ। अब क्या करेंगे, खाली जगह को किससे भरना है, पड़ोसी से भरना है, तो पड़ोसी कौन है जी, आइए, सी का पड़ोसी कौन है, बी है, डी का पड़ोसी कौन है, सी है, यहाँ डी का पड़ोसी कौन है, सी है, ए का पड़ोसी कौन है, बी है, बी का पड़ोसी कौन है, सी है, और ए का पड़ोसी कौन है, बी है, सबको मल्टीप्लाई करना है, 8×40 = 120, 8×40 = 160, 8×32 × 7 कितना जाएगा, 32 × 7, 7 × 14 = 4, 7×21 और 1×22 224, और 9×63 × 4 कितना जाएगा, 4×3 = 12, 6×6 = 24 और 1×25 252। आपसे पूछा गया है कि ए रेशियो डी बताइए, ए का कितना आया, 120, ऐसे कितना आया, 252। ठीक है, अब देखिए इसको कट करिए, 12 से कट जाएगा डायरेक्ट, 12 दे हैं 120, 12 दूना 24 और 1 21,
ठीक है, 10:2 क्या हो गया, 21, 10:21 आपका डी आंसर आ गया, क्या आ गया, डी आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम सवाल करेंगे और जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और ऋतु की आयु 60 साल है, कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। देखिए, एक और एक हर्षा है और ऋतु है, ठीक है, इसका रेशियो कितना है, 40 है, इसका कितना है, इसका 40 है, ऐसा कितना है, 60 है। मान लेते हैं एक एक ईयर पहले, दोनों में एक्स घटाओ, इसमें भी एक्स घटाओ और इसमें भी एक्स घटाओ, एक्स ईयर पहले इनकी आयु कितना था, 3:5 था, 3:5 क्या था, 5 था। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 40 × 5 = 200 माइनस 5x इक्वल्स टू 180 माइनस 3x, इसको इधर लेकर आइए, इसको इधर लेकर आइए, है ना। तो 200 में से 180 कितना बचेगा, कितना बचेगा बोलिए, 20, और 5 में से 3 गया तो 2x, 2 से 10 टाइम में कटेगा, x होल्ड कितना हो गया, 10 वर्ष, यानी 10 साल पहले, 10 साल पहले दोनों का रेशियो कितना था, 3:5। चलिए अगले सवाल चलते हैं। यदि दो भाइयों की आयु का अनुपात इतना है और 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। देखिए, दो भाई मान लेते हैं कि ए है और दूसरा बी है, उनकी आयु का अनुपात दे रखा है, एक के 1x, दूसरे का मान लेते हैं 2x है, 1:2 है ना, तो 1x और 2x हमने मान लिया। कहता 5 साल पहले, तो 5 साल इसमें भी घटाइए और 5 साल इसमें भी घटाइए, क्योंकि उम्र कम रहा था, दोनों का कमेगा ना, कि एक का भी कमेगा, नहीं दोनों कमेगा, ठीक है, 1/3 अनुपात में था, तो क्या लिख दिया हमने, डिवाइड में 1/3। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 3x - 15 इक्वल्स टू 2x - 5, 2x को इधर लेकर आइए और 15 को इधर लेकर जाइए, 3x में से 2x जाए कितना बचेगा, x, और 15 में से 5 जाए कितना बचेगा, 10, एंड x की वैल्यू कितना आ गया, 10, एक x की वैल्यू 10 आ गया, यानी 1x वैल्यू 10 आ गया, तो 2x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 × 2 = 20। अब पूछा गया 5 साल बाद, तो 5 साल बाद इसकी उम्र कितना होगा, 15, इसकी उम्र कितना हो जाएगा, 25, दोनों का रेशियो पूछा गया है, 15/25, 5 × 3 = 15, 5×5 = 25, क्या हो गया, 3:5, 3:5 सी, ठीक है, ऐसे करेंगे। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। दो संख्याएं 5:7 में है, यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात, बहुत आसान सवाल है। दो संख्या फिर मान लीजिए, एक ए है और एक बी है, इनका अनुपात 5:7 है, यानी एक 5x है, दूसरा 7x है। यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए, इससे भी 40 घटाइए और इसमें से भी 40 घटाइए, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 17:27 हो जाएगा, 17:27 क्या जाएगा, 27, ठीक है। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए, 27 × 135 x माइनस 40 × 27, मल्टीप्लाई मत करो इसको, आए काम आ जाएगा वैसे ही, 17 × 7 = 119x माइनस 40 × 17।
अब क्या करिए, इसको इधर लेके आ जाइए और इसको इधर लेकर आ जाइए। तो 135 में से 119 जाएगा, कितना बचेगा 16x कितना बचेगा 16। 16x इक्वल्स टू इन दोनों में से 14 क्या करिए, कॉमन ले लीजिए 40, तो क्या बच जाएगा यहाँ से 27 माइनस 17। 16x इक्वल्स टू 40 इंटू 10, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 इंटू 10 अपॉन 16, 8 दूना 16, 8 पंजे 40, 2 पंजे 10, यानी 5 पंजे कितना हो गया 25। हम x की वैल्यू क्या आ गया 25। तो पूछा गया उनका अंतर बताइए, क्या होता है ना डिफरेंस। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना का है 5x और 7x, दोनों में डिफरेंस कितना का है 2x का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना। हाँ, अब x बराबर 25 आया तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x का तो डिफरेंस है, 2x का कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 50। ठीक है, आइए अगले सवाल चलते हैं। एसिड के 30 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात 2:3 है, कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए कि एसिड और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। आइए, बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोला गया है कि 30 लीटर मिश्रण है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक है एसिड है, क्या है इधर एसिड है, और दूसरा क्या है पानी है, इनका अनुपात 2:3 है, 2:3 है। अब इसका मतलब ये हुआ, देखिए इस बात को मैं नीचे लिख के समझा रहा हूँ कि एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा 2:3 और टोटल है 30। तो यहाँ अगर हम एसिड निकालना चाहेंगे तो हमने आपको बताया हूँ जो निकालना रहेगा उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर, नीचे क्या लिखेंगे, इन दोनों को जोड़कर 5 गुणे में 30 है ना, कट करेंगे 6 6 दूना 12। सिमिलरली अगर वाटर निकालना है तो क्या करिए, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखिए, नीचे 5 रखिए, 30 6 5 30 6 3 18। और नहीं तो आपने अगर एसिड निकाल लिया था तो 30 में से 12 घटा दो, क्या देगा 18। यानी एसिड क्या था आपका 12 ग्राम 12 लीटर और वाटर क्या था 18 लीटर। मैं नीचे का पार्ट मिटा दे रहा हूँ, आप चाहो इसको रफ में लिख लो है ना, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा था। अब आपसे पूछा गया है, कि कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए, पानी मिलाने की बात किया है ना, तो पानी को मान लेंगे कि 1 लीटर मिलाया गया, कितना मिलाया गया है 1 लीटर। इधर कुछ नहीं मिलाने की बात किया, कुछ मत मिलाइए, कि एसिड और पानी का अनुपात, एसिड कितना है 12, पानी कितना है 18+1, अनुपात कितना हो गया 2:5। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे करो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, 12 5 60, इसको करिए 18 2 36 +2x, इसको इधर लेकर आओ तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 24, x इक्वल टू कितना हो गया 12। यानी 12 लीटर पानी अगर हम और मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो 2:5 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल चलते हैं। ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में उनका खर्च इतना है और इतना बचाते हैं,
तो बी की आय बताइए। देखिए हम एक लॉजिक जानते हैं, आय माइनस बचत इक्वल टू खर्च होता है ना। इसका मतलब आप अगर 100 रुपया कमाते हैं और 25 रुपया बचा रहे हैं तो 75 रुपया खर्च कर रहे हैं, ये चीज़ है ना। इसी लॉजिक को हम यूज करेंगे नीचे, देखिएगा क्वेश्चन में समझने की कोशिश करिए। ए और बी दो लोग हैं, एक का इनकम क्या है 5x और दूसरे की इनकम क्या है 6x। ए बचाता 1800 रुपये तो आय माइनस बचत, और बी बचाता 1600 रुपये है ना। तो इनका खर्च अब नीचे, अब ये आय हो गया और ये बचत हो गया, तो खर्च अब आएगा। खर्च के रेशियो क्या रखा है उन्होंने 3/4। आप क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 5×20 x माइनस 7200 इक्वल टू 18x माइनस 4800, ठीक है ये 20 है ना, 20 है। हाँ अब इसको इधर लाके माइनस कर देंगे, इसको इधर लाके प्लस कर देंगे, तब 20 में से 18 कितना बचेगा 2x, और 7200 में से 48 हो जाएगा कितना बचेगा 2400। तो x बराबर कितना आ गया 1200। अब x की वैल्यू 1200 आ गया, अब पूछा क्या गया b की आय, यानी x बराबर कितना आ गया 1200, b क्या कितना है 6000, सॉरी b क्या कितना है 6x, ये b क्या है ना 6x। x बराबर 1200 तो 6x बराबर कितना आ जाएगा 1200 × 6 7200। आ गया इसका आंसर 7200, डी आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। 7500 रुपये को ए बी सी में विभाजित किया जाता है, यदि ए बी का हिस्सा का अनुपात इतना है, बी और सी का हिस्सा इतना है, तो बी को कितना प्राप्त हुआ। देखिए सवाल में कहा गया है कि ए और बी का रेशियो क्या दे दिया आपको 5:2, बी और सी का रेशियो क्या दे दिया आपको 7:13। तो पहले ए बी सी का रेशियो निकाल रहे हैं हम, ए बी और सी है ना। ए बी कितना दे रखा आपको बताइए 5:2, बी सी कितना दे रखा है 7:13। फिर भाई काम करना है, पड़ोसी को किससे खाली जगह किससे भरना है, पड़ोसी से यहाँ क्या गया 2, यहाँ 7, मल्टीप्लाई करेंगे 7×5=35, 7×2=14, 13×2=26, ठीक है। अब देखो बी आपसे पूछा गया है कि बी का हिस्सा बताइए, अब बी का हिस्सा पूछा गया है, हमने अभी आपको बताया हूँ कि जिसका हिस्सा पूछा जाए बी ये वाला है, एक ये है ये बी ए सी है, जिसका पूछा जाए उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे तीनों को जोड़ कर लिखेंगे, तो 2614 40×35 75 × कितना हो जाएगा 7500, तो कितना बार में कट जाएगा 100, तो आंसर कितना आएगा 1400, कितना आएगा बोलिए 1400, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। एक मिश्र धातु में कॉपर और जिंक 5:2 है, यदि 17 किलो 500 ग्राम धातु में 1.25 किलोग्राम जिंक और मिलाया जाए तो कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा। देखिए कॉपर है और जिंक है Zn,
क्या है, 5H2 में है ना। अब देखो, अब यहाँ तक अगर हम पूछा जाए कि कॉपर टोटल कितना दे रखा है आपको, 17 किलो 500 यानी 17.5 kg ऐसे दे रखा ना। इसमें अगर हम आपसे पूछे कि बताइए कॉपर कितना होगा, तो क्या करेंगे 17.5 17.5 kg को जो पूछा जाएगा उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, दोनों को जोड़कर 5 2 7। अगर हम पूछे यहाँ से आपका कि जिंक कितना होगा, तब फिर क्या करेंगे 17.5 को जो पूछा गया उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, 5 और 2 7 गुणा करके। जब कट करेंगे तो क्या आएगा आपका 2.5, यहाँ भी कट करके कितना आएगा 2.5, 25 पंजे 125 कितना गया 12.5 kg और ये कितना आया 5 kg। अब ये सवाल कहा जा रहा है, सवाल अब ये कहा जा रहा है यदि इसमें 1.25 किलोग्राम जिंक और मिला दिया जाए, तो बताइए कि अब नया कॉपर और जिंक का रेशियो क्या होगा, यानी कॉपर वर्सेस जिंक। कॉपर कितना है 12.5 kg है, जिंक कितना हो गया 5 और 6.25 kg आ गया, कितना बार में कट जाएगा, दो बार में कट जाएगा, यानी क्या हो गया 2H2O1। ठीक है, आइए अगले सवाल पर चलते हैं। 378 सिक्कों के ढेर में से 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मान इस अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है उससे, आपके पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, आइए आप इनका मान दे रखा है 13, 11, 7, यानी ये जो आपको दे रखा है ये रुपयों का दे रखा है। मान का मतलब क्या दे रखा है आपको, रुपयों का अनुपात। अब एक बात बताइए, और हम यहाँ क्वेश्चन में सिक्का दे रखा है ना, तो हम इसको सिक्का में पहले कन्वर्ट करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, रुपया दे रखा था, तो हमने सिक्का को रुपया में कन्वर्ट किया था, यानी अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सिक्कों का अनुपात। क्या निकालेंगे, सिक्कों का अनुपात। अब एक बात तो ये, अगर आपके पास 1 रुपये के 13 सिक्के हैं, सॉरी 1 रुपये के सिक्के 13 रुपये हैं, तो कितने सिक्के हुए, 13 सिक्के हुए। अगर आपके पास 11 रुपये है और 50.5 पैसे के सिक्के हुए, तो कितने सिक्के हुए, 26 सिक्के हुए। अगर आपके पास 7 रुपये हैं और 25.5 पैसे के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के हुए, 28 सिक्के हुए, है ना। आपसे पूछा गया है कि बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। आपने कहा था कि जिसका पूछा जाए 50 पैसे का पूछा गया है, तो ये इसका वैल्यू क्या है 26, इसको कहाँ रखेंगे, ऊपर और नीचे तीनों को जोड़कर। ठीक है, तो तीनों को जोड़िए 8 से 14 3 17 के साथ, 2 4 5 और 1 6 67 इंटू में क्या लिखेंगे 378। ये शायद कट जाएगा, ये शायद इसे डिवाइड होगा,
आठ से 14, 3 17, 2 4, 5 और 1 6, 4 5 सच्चक 42, 67 49, ठीक है। ये 6 बार में कटेगा, 42, 36, हम इसको ऐड करने में गलती कर रहे हैं हम लोग, सॉरी। यहाँ पे देखो हमने गलतियाँ क्या किया है, यहाँ पे 22 है, 11 रुपये 50 से 22 सिक्के होंगे ना, ठीक। क्या लिखना है, 22 अपॉन, सबको जोड़िए, 8 दो 10 और 3 13 के 3, 2 4 5 63, है ना। तो 6 बार में कटेगा, अगर कितना आएगा, 22 छक 132, 132 सिक्का, कितना आएगा, 132 सिक्के, ठीक है। चलिए अगले सवाल चलते हैं। देखो अब यहाँ रुपया वाला आ गया है ना, अभी सिक्का वाला था, ये रुपया वाला पहले की तरह बनेगा। एक बैग में 90 रुपये हैं, जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। देखिए 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, किस किस रेशियो में है, 2:3:5 है, ठीक है। अभी देखिए, अब क्या था, ये सिक्कों का अनुपात दे रखा था, हम क्या निकालेंगे, मूल्यों का अनुपात निकालेंगे, यानी कि क्या निकालेंगे, रुपयों का अनुपात निकालेंगे। अगर 50 पैसे के दो सिक्के हुए तो कितने रुपए हो गए, 1 रुपये हो गए। 25 पैसे के 3 सिक्के हुए तो कितने रुपए हो गए, 0.75x हो गया। और 10 पैसे के 5 सिक्के हुए तो कितने हो गए, 50 पैसा, यानी 0.5x रुपीज़ हो गया। अब सबको जोड़कर 90 है, ज़रा जोड़िए सबको, कितना आ गया, 1 रुपया 75 पैसे और 50, कितना हो गया, 2 रुपये 25 पैसा इक्वल्स टू 90। तो x बराबर आ गया 90/2.25, ठीक है। अनिकट कितना आएगा, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, तो 40 × 80, 40 बार में कटेगा, कितना बार कटेगा, 40 बार में, यानी x बराबर 40। तो आपसे पूछा गया है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा, तो कितना है ये, 3x, तो 3x बराबर कितना हो गया, 40 × 3, यानी 120, कितने सिक्के होंगे, 120, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। एक जग में शराब और पानी का अनुपात इतना है, तो मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिलाया जाए कि शराब और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपसे, ये क्या दिया गया है, शराब और ये पानी किस अनुपात में दिया गया है, 3:1 में। और आपसे पूछा गया है यहाँ पर क्या है, ये ओल्ड, न्यू में क्या कहा जा रहा है आपसे कि कितना पानी मिलाया जाए कि 1:1 हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये टोटल कितना है, 4 पार्ट है, 3+1 कितना गया, 4 पार्ट है। तो हमें टोटल, हम पहले इतना पानी मिलाते हैं, क्यों पानी मिलाने की बात किया है, इतना पानी मिलाते हैं कि मिश्रण टोटल बराबर हो जाए। तो यहाँ 1 पार्ट है, यहाँ कितना है, 4 पार्ट है, यहाँ 2 पार्ट है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 हो गया। अब कितना हो गया, ये भी 4 हो गया, ठीक है। अब सवाल जो कहा जा रहा है उस पर देते हैं कि जो नया मिश्रण है वो 1:1 हो जाए, कितना पानी मिलाया जाए। बात किया है पानी मिलाने का, तो अब शराब को बराबर करेंगे। पहले हमने क्या किया, हमने मिश्रण को बराबर किया, क्यों मिश्रण को बराबर किया जी,
क्योंकि हमें मिश्रण से निकालना था, है ना। अब किसको मिलाने की बात किया है, अगर पानी मिलाने की बात करेगा तो शराब को बराबर करेंगे। शराब को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसमें 3 से गुना कर देंगे, तभी बराबर होगा ना। इसका कोफिशियंट इसमें 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 3 × 2 = 6 H2O और 6 H2O, ठीक है। अब देखिए जरा, पानी यहाँ पे पहले 2 भाग था, अब कितना भाग हो गया, 6 भाग। तो एक्स्ट्रा पानी कितना मिलाया गया, 4 भाग मिलाया गया, है ना, 4 मिलाया गया ना। कितना में टोटल कितना है, 6 × 6 कितना हो गया, 12 में न्यू है ना, 12 चार तीन 12 यानी 1/3 1:3, ठीक है जी। आइए अगले सवाल चलते हैं। ₹225 की एक धनराशि जो ₹1, ₹50, ₹25 के सिक्के हैं, सिक्कों का अनुपात दे रखा है, तो ₹1 के सिक्कों की संख्या बताइए। आ जाइए, देखिए आपके पास ₹1, ₹50 और 25 पैसे के सिक्के हैं और आपको 8:5:3 के अनुपात में दे रखे हैं। क्या देखा जी, सिक्कों का अनुपात है ना, सिक्का। आइए हमने क्या मान लिया, इसका तो x लगा दो। हम यहाँ क्या निकालेंगे, मूल्यों का अनुपात। क्या निकालेंगे, मूल्यों का अनुपात निकालेंगे, यानी कि रुपयों का अनुपात। अब आपके पास बताइए, ₹1 के 8 सिक्के हैं, कितने रुपए हो गए, 8x। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, कितने हो गए, 2.5 रुपये। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, कितने रुपए हो गए, 75 पैसा यानी 0.75x। तीनों को जोड़ के कितना आपके पास है, ₹225। तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों क्या के जोड़ दिए, कितना आ गया, 8 × 2 = 10 10.5 यानी कि 11.25 x = 225। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 225/11.25 है ना, पॉइंट आएंगे 00 कितना आ गया, 20। x की वैल्यू कितना आ गया, 20। और आपसे पूछा क्या गया है, ₹1 का सिक्का कितना है, 8x है, कितना है जी, 8x, x बराबर 20। तो 8x बराबर कितना हो गया, 20 × 8 = 160 कितना हो गया, 160, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इसको, अगले सवाल पर चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सवाल। सवाल ये कह रहा है कि आपके पास 2 तरह के सिक्के हैं, सॉरी, एक बर्तन में दूध रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, दूध। 81 लीटर दूध है और उसका 1/3 निकाला जाता है, तो 81 का 1/3 कितना होगा, 27 लीटर होगा ना, हाँ 27 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार फिर की जाती है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताएं। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ऐसे सवाल में जो आपका मेन कंटेंट है, मेन कंटेंट क्या है, दूध है, तो दूध की मात्रा फाइनल निकाल, 2 बार प्रोसेस करने के बाद फाइनल दूध की मात्रा निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे। जो फॉर्मूला पढ़ते थे हम लोग, एक फॉर्मूला पढ़ते थे ना, CI वाला, amount = P×1+R/100^T। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x स्टार्टिंग में x × 1 - R/X/100 क्या लगेगा, टी, जितने टाइम रिपीट हुआ है ना। यानी हमने इसको मान लिया क्या,
एक्स, और इसको मान लिया क्या आर, क्या मान लिया आर। आइए सबसे पहले निकालते दूध की मात्रा है कितना, शुरुआत में कितना था 81, 1 माइनस निकाला कितना गया है 1/3 यानी 27 अपॉन में 81, कितना बार प्रोसेस किया गया है, एक बार पहले निकाला, एक फिर एक बार और किया था, यानी दो बार किया जाता है ना। 27 तिया 81, 3 में से एक गया तो कितना बचेगा 2, 2/3 पावर दो है, दो है तो 2/3, 3 3 9, 9 9 81, 9 4 36, कितना हो गया 36 लीटर का क्या बचा दूध। तो पानी कितना बचेगा जी, 81 माइनस 36 कितना बचेगा बोलो, 81 माइनस 36 कितना हो गया 5 45, 45 लीटर। तो पूछा गया है दूध और पानी का अनुपात बताइए, दूध अनुपात पानी 36:45, 9 4 36, 9 5 45, 4:5, 4:5, ठीक है। आइए सवाल को समझ गए होंगे तो अगले सवाल पे चलते हैं, बस दो सवाल और हैं। यदि दो व्यक्तियों का आय का अनुपात इतना है, उनके खर्चे का अनुपात इतना है, यदि वे क्रम से इतना बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात करें। मैं इक्वेशन बना दे रहा हूँ, आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। दो व्यक्ति, एक ए है दूसरा बी है, एक की आय 5x है, दूसरे की आय 3x है, बताया था ना 5/3 है तो 5x 3x। ए 2600 बचाता है, बी आपका 1800 बचाता है, और ये आपका क्या हो गया 9:5। आई मा क्या नाम है, आई माइनस बचत इक्वल्स टू खर्च है ना, 9/5। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालिए, एक्स की वैल्यू निकालिए, और पूछा गया है उनकी आय ज्ञात करें। एक बार 5 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5x निकल जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई तो 3x निकल जाएगा, यानी ए की आय कितना है 5x और बी की आय कितना है 3x। तो आप मल्टीप्लाई करके इसको निकाल लेंगे, ठीक है। हम अगले सवाल पे चलते हैं, यह आसान सवाल था ऐसा हम बता चुके हैं। हाँ, कहता 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 होगा, जबकि 10 साल पहले यह अनुपात 3:1 था, तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए ये जो अनुपात आपको दे रखा है किसका जी, पिता और पुत्र का, ये 5x/3x कब था, जब 10 साल पहले था है ना। तो अभी अभी क्या होगा, इसमें 10 भी जुड़ जाएगा, इसमें 10 जुड़ जाएगा, ये अभी हो जाएगा, करंट का हो जाएगा। अब 10 साल बाद, सॉरी ये 10 साल बाद का बोल रहा है, तो क्या करना है 10 माइनस करना है दोनों में, दस माइनस करना है तो अभी का हो जाएगा। अब कह रहा 10 साल और पहले जाइए, 10 साल और पहले, यानी माइनस दस और करिए, तब क्या था 3:1 था, यानी 5x-20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 3×3=9x-20 60, ठीक है। इसको इधर लेकर जाइए और 60 को इधर लेकर आइए, तब माइनस से प्लस में क्या बचेगा 40, 9 में से 5 गया तो 4x, x की वैल्यू कितना आ गया 10, x की वैल्यू 10। तो दोनों का वर्तमान उम्र का अनुपात निकालना है, वर्तमान उम्र क्या है, यही है ना, पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र का अनुपात निकालना है। पिता कितना है
फाइव एक्स माइनस टेन, 50 माइनस 10 कितना हो गया 40, पुत्र कितना हो गया 10 या 30 माइनस 10 कितना हो गया 20, 2H2O1, 2H2O1, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। एक बैग में 1 रुपया, 50 पैसा व 25 पैसे के सिक्के हैं, कुल 175 सिक्के हैं। यदि उनकी प्रकार की सिक्कों की राशि बराबर है तो बैग में कुल धनराशि ज्ञात करें। देखो आसान सवाल है, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, इनका क्या दे रखा है, कुल 175 सिक्के हैं। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर है, यानी ये भी एक से, ये भी एक से और ये भी एक से, तो आपको क्या दे रखा है, मूल्यों की दे रखा है राशि, है ना, मूल्यों की, आपको मूल्यों की अनुपात दे रखा है कि सबका बराबर है, यानी ये भी 1 रुपए है। आप सब मान लीजिए, ये 1-1 मान लो सबका, आपके पास 1 रुपए हैं और वो भी एक ही सिक्का, कितना होगा, एक सिक्का होगा 1x। अब आपके पास 1 रुपए हैं, 50 पैसे के सिक्के, कितने हो गए, 2x हो गए। आपके पास 1 रुपए है, 25 पैसे के सिक्के, कितने हो गए, 4x हो गए। ये हमने क्या निकाला, सिक्कों का अनुपात। क्यों सिक्कों निकाला है जी, क्योंकि हमें क्या गिवेन है, 175 सिक्का गिवेन है। सबको जोड़ दीजिए, तो क्या पूछा गया आपसे, तो बैग में कुल धनराशि ज्ञात करें। अब कुल धनराशि ज्ञात करना, आप देखिए ये पहले टोटल क्या निकालिए, 4 2 6 और 1 7 x 7x इक्वल टू कितना हो गया 700 175, तो x बराबर कितना हो गया 175 अपॉन 7, कितना आ गया 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, कितना आ गया 25। एक्स की वैल्यू क्या आ गया 25, तो यानी कि 25 रुपये ये भी है, 25 रुपये ये भी है, 25 रुपये ये भी है, तो टोटल कितना हो गया 3x, यानी कि 75 रुपया हो गया, कितना हो गया 75 रुपया, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट वन है, और कुछ हम पार्ट टू भी अपलोड करेंगे बहुत जल्द। तब तक हमारे वीडियो देख जरूर कमेंट करिएगा कैसा लगा, सारे क्वेश्चन को नोट करिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए सवाल हैं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।